हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, हीलोफाई इज बैक। जानते हैं आप कि नहीं जानते? अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जानते तो मैं आपको इतला कर देती हूँ। हीलोफाई करके एक ऐप है जो स्पेसिफिकली सोशल मीडिया में सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हम जैसे लोगों के लिए, यानी कि वुमेन के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी 10 मिलियन लेडीज़ इसमें शामिल है। और आप भी इसमें शामिल हो जाइए और इसको और भी बड़ा बना दीजिए। यहाँ पे आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा, हर चीज़ की जो भी आपको ज़रूरत है एक वुमेन की लाइफ में, लेट इट बी पेरेंटिंग, किड्स से रिलेटेड हो या प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, या वॉट आर द टिप्स यू शुड फॉलो आफ्टर बिफोर प्रेगनेंसी इफ़ यू वॉन्ट टू कंसीव और इफ़ यू वेंट थ्रू एबॉर्शंस, एंड जो भी चीज़ें हैं। जैसे कि इसका नाम ही बोलता है, हीलोफाई, यानी कि सही करने वाला है, आपकी हर प्रॉब्लम को हील करने वाला है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हीलोफाई। तो आप इस ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर है तो बस जाके वहाँ टाइप कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कट टू कट आंसर मिलेगा आपको। तो इसलिए ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड अपनी हर प्रॉब्लम, बिकॉज हम जैसी हाउसवाइफ्स को जो है बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती रहती है जिनका सॉल्यूशन हमको ढूंढने के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता है। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बस हीलोफाई को डाउनलोड कीजिए एंड आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। तो आज का ब्लॉग जो है करीबन 2:30 बजे से शुरू हो रहा है। सुबह से मैं थोड़ा सा बिजी थी क्योंकि जो जिनके घर में कल गई थी वो आज मेरे घर में आ रही है। अब तो आना जाना लगा रहेगा क्योंकि बाजू बाजू में ही रहते हैं, तो मैंने बोला आ जाओ घर करके। तो वो थोड़ा लेट सो के उठे इसलिए जो है उनको आने में डिले हो गया। फिर वो हिचके जा रहे थे कि आऊँ कि नहीं आऊँ क्योंकि लेट हो जाएगा फिर जाने के लिए। तो एक मिनट, गर्मी बड़ी ज़्यादा है, नहा चुकी हूँ लेकिन फिर भी जो है पसीने खूब आ रहे हैं। तो मैं एक बार वाइड एंगल में आपको पूरा सेटअप दिखाती हूँ, मतलब एज यूजुअल हमेशा जैसे ही है, बट स्टिल लेट मी शो यू। जब रहती हूँ पसीना तो नहीं आता, लेकिन वो हवा के साउंड फोन में आ जाती है, बट क्या करें। अभी एक मैं दरवाज़ा खोल रही थी, पता नहीं कौन सा हुक कट का एंड ये थोड़ा सा चर हो गया यहाँ पे, सिलना पड़ेगा। सो अभी जो थोड़ी देर पहले आपको रिंगटोन सुनाई दी थी वो सीमा का ही कॉल था, एड्रेस के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। नीचे ही थे लेकिन कौन से घर में घुसना है वो पता नहीं था, तो उसकी क्लैरिटी के लिए जो है मैंने फ़ोन उठा के बता दिया और बाहर जाके फिर बालकनी से उनको वेव किया तो वो आ गए। तो उनके पापा भी आए थे, मैंने उनको भी इन्वाइट किया लेकिन वो आए नहीं, पापा नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे करके सीमा ने बोला, और अंकल भी चले गए। एंड उसके बाद थोड़ी इधर उधर की बातें तो होती है, हम कोई फ्रेंड्स अगर गैदर हो जाएँ तो बातों की तो रेल लग जाती है, लाइन लग जाती है जैसे बोलते हैं ना वैसे। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो हम थोड़ी देर तो हॉल में बैठे, उसके बाद बेडरूम में जाके बैठ गए बिकॉज दैट्स मोर कम्फर्टेबल। कोई ऑफिस की मीटिंग थोड़ी है कि हॉल में ही बैठे रहें। अपने दोस्तों आए थे तो बेडरूम में ही बैठ जाती हूँ मैं तो।
एंड उसके बाद थोड़ा सा क्योंकि मैंने जो बनाया था कुछ स्पेशल नहीं बनाया, लेकिन सीमा सोची थी बहुत स्पेशल कर दिया मैंने उनके लिए, लेकिन रेगुलरली मेरे घर में ऐसे जैसे टिफ़िन बनता है, लंच बनता है, वही सब, तो क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन है उसके हिसाब से मैंने जो है पूरी बनाई थी एंड उसके साथ थोड़ा सा जो टाइगर राइस होता है वो एंड आलू की सब्ज़ी, तो उनको बहुत अच्छा लगा एंड टाइगर राइस जो है सीमा का फेवरेट है उन्होंने बताया, तो मैंने बोला ठीक है आप कभी कभी आते रहना, आपको जब आ रहे हो बता देना मैं बना दूँगी करके मैंने बोला। एंड मैं बॉक्स में भी देने वाली थी लेकिन मैं भूल ही गई क्योंकि उस टाइम पे स्विमिंग का टाइम हो गया था और जल्दी जल्दी हम लोग वापस निकलने के लिए फिर बाद में रेडी भी होना था, तो फिर मैं दे नहीं पाई वो वापस। तो काफ़ी देर हमने ऐसे ही बैठ के बातचीत करी, बहुत सारी चीज़ें शेयर करी एंड बहुत सारी चीज़ आगे भी जब शेयर करेंगे यूज़फुल जो चीज़ें होंगी उसके बारे में भी आगे बताती हूँ कि क्या बताने वाली हूँ मैं आपको। तो क्योंकि सीमा जो है मेनली फूड के रिव्यूज़ करती रहती है एंड ट्रैवल रिव्यूज़ करती रहती, तो शी वाज़ टेलिंग कि ये सब्ज़ी ऐसी है, ये नॉर्थ इंडिया जैसी है, वैसी ऐसी करके बता रही थी मुझे। तो हम लोग जो है अभी जा रहे हैं, इनको मैं रास्ते में छोड़ दूंगी स्विमिंग पूल के उस पार एंड हम लोग फिर स्विमिंग के लिए चले जाएंगे। तो हमने बहुत ही अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, टाइम थोड़ा कम था, अभी तो आना जाना लगा ही रहेगा एंड कुछ भी उसमें यूजफुल चीज़ें होती है तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू, लेट इट बी रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे कोई टिप हो या वेबसाइट के बारे में हो, बिकॉज शी इज एक्सपर्ट इन हर ब्लॉग। तो जो लोग मार्केटिंग भी बता सकती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, रियली वेट वेट वेट, तो क्योंकि बहुत लोग शाई होते हैं कैमरा के सामने आने के लिए, हर कोई वीडियो बनाने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है, सो ब्लॉगिंग इज समथिंग यू नो वे यू कैन शो योर टैलेंट, लिख के आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं एंड उसके बाद आप कमाई भी कर सकते हैं। तो विल शेयर यू साइमल्टेनियसली जब समय मिलता है तब उसके हिसाब से। तो पहले अभी तक आगे बैठा था, सीमा को बैठने नहीं दिया, जैसे ही सीमा पीछे गई तो बोल रहा मैं पीछे जाऊंगा, अभी पीछे गया वो तो सीमा आगे आ गई। चलिए चलते हैं, अभी ऑलरेडी स्विमिंग का भी टाइम हो चुका है। हाय एवरीवन, तो हम ऐसे ही बाहर आए, एक्चुअली स्विमिंग से आ गए थे वापस, तो मेरे हस्बैंड जो है हमारे जाने से पहले ही आ गए थे, तो फिर नीचे बैठ मतलब मैं भी कार लेके आई थी, तो कार में फिर इन बच्चों ने बोला चॉकलेट वॉकलेट खानी है, फिर मैंने चक्कर लगाया, फिर ऐसे ही हम थोड़ा रेडी हो गए, चलो कल और परसों आदित्य की छुट्टी है, थोड़ा घूमी घूमी कर लेते करके ऐसे ही कार में बैठ गए हम लोग, तो चलिए बाद में बात करते हैं। सो हम लोग फिर ऐसे ही बाहर निकले थे, कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं, और वीकेंड में घर में रहने का मन तो वैसे भी करता ही नहीं है, तो आदित्य ने जो है बहुत ज़िद करी कि हम लोग को उसको मिनर्वा ग्रैंड जाना है एंड फ्राइड राइस खानी है खानी है खानी है। हम पिछले हफ्ते ही गए थे, इतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाते हैं, बट उसने बहुत ज़िद करी बिकॉज प्रोबेबली उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी वो खाने की, लास्ट टाइम जब हमने खाया था तो बहुत टेस्टी था वहाँ पर एंड ही वॉज लाइक बस खाते जाओ एंड अभी भी उसका खूब मन कर गया और नहीं बस लाइक कि दो दिन की छुट्टी है, अभी तो खूब खा भी सकते हैं, खूब सो भी सकते हैं, तो वी वर लाइक, मेरे को तो फिर भी आइडिया नहीं था कि ये लेके जाएंगे करके, तो ये फिर लेके चले गए, इनकी इसकी बात सुन ली, तो इट्स नॉट लाइक कि बच्चों का बहुत ज़्यादा सुनना, समटाइम्स यू नो यू शुड अंडरस्टैंड बच्चों की फीलिंग ऑल्सो, हमको भी जब क्रेविंग होती है बड़े लोगों को हम लोग तुरंत चले जाके चाहे वो आइसक्रीम हो या गोलगप्पे हो कुछ भी खा लेते हैं, ऐसे बच्चों का भी तो मन करता है, तो कभी कभी फ्रीक्वेंटली हो जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। तो जब उसने बोला है तो मैंने उसी को बोला और कुछ ऑर्डर देना है तो देख लो करके, तो वो चार्ट देख रहा था लेकिन उसको इतना भी कुछ पता नहीं है कि क्या क्या है करके, फिर भी ही वॉज चेकिंग आउट एंड यहाँ पे जब भी आते हैं यहाँ पे क्या किसी भी होटल में जाते हैं वहाँ के चम्मच फोक्स का तो ये तो डिज़ाइन बना देते हैं, बच्चे बार बार निकाल लेते हैं, बजाते, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो अभिषेक को देखो, वो अपने उसमें बिज़ी है, पतिदेव अपने फ़ोन में बिज़ी है एंड सब कोई अपने अपने उसमें बिज़ी है। आदित्य जो है बोल रहा है भूख लग रही है, जब उसको लगता है ना कि भाई अब तो खा ही लेना तो उसकी भूख जो है और भी बढ़ जाती है एंड मैं और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे बहुत सीरियस टॉपिक पे वार्तालाप कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ होते हैं ना इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, कभी कभी इत्मीनान से ऐसे बात करते रहते, तो कहीं पे पहले से हमारा टॉपिक जो है चल ही रहा था बहुत देर से, तो हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे कभी कभी जो है अपने एक्सप्रेशन देख के, अच्छा मैं ऐसे बात कर रही थी वैसे बात कर रही थी, वीडियो में देख के कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन आते हैं, कभी कभी लगता है ये कैसे आ रहे हैं नत्थू ठहरे वाले एक्सप्रेशन आ रहे हैं करके, बट स्टिल आई की बी लाइक दैट ओनली कि भैया चलो यही नेचुरल है चलने दो करके। एंड बहुत लोगों ने बोला कि नेल पेंट हटाओ हटाओ हटाओ, एक्चुअली नेल पेंट रिमूवर ना सूख के उड़ गया है, क्योंकि सूख के उड़ गया, जो लिक्विड वाला था वो तो उड़ गया
उसके अलावा जो थे जो होते हैं ना कॉटन वाले शीट्स अलग से आते हैं पेपर से, वो बच्चों ने ख़राब कर दिया पूरा। एंड यहाँ पे जो है हम होटल में बैठ के, मेरा नया फ़ोन है तो मैं धीरे धीरे एक ऑप्शन चेक कर रही थी तो यही दिख रहे थे, तो मैं वो ऐसे तफरी मार रही थी उसमें। एंड अभी हमारा खाना आ चुका है तो नेल पेंट रिमूवर है नहीं, इसलिए वैसे मेरे को ऐसे ही रखना पड़ रहा है। वैसे भी मैं बहुत नेल्स के चक्कर में बहुत ही आलसी हूँ, ना मैं बढ़ाती हूँ ना नेल पेंट लगाती हूँ, और लगा लिया तो मैं निकालती नहीं हूँ। तो हमने यहाँ पे जो है ऑर्डर दिया था, ये जिंजर चिकन है एंड ये मिक्स्ड फ्राइड राइस है जिसमें एग रहता है, थोड़ा अपोलो फिश रहता है, थोड़े चिकन पीसेस रहते हैं, थोड़े मटन पीसेस रहते हैं, ऐसे सब कुछ रहता है। एंड इनको अभिषेक बड़ा पसंद आ गया था, बार बार उसके गाल आके खींच रहे थे। एंड हमने मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है बटर नान खाया था, आदित्य ने एंड अभिषेक ने जो है फ्राइड राइस खाया था, एंड इट वाज ऑल ऑसम। तो ये रहा बटर नान, ये बटर नान भी जिंजर बटर नान है, प्लेन बटर नान नहीं है, काफ़ी अच्छा था ये भी रेगुलर से काफ़ी अच्छा। एंड अभी आदित्य एकदम बिजी है, ना किसी की सुन रहा है ना कुछ बोल रहा है, बस खाने में बिजी है वो। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप हाथ से क्यों खाते हो, भैया भगवान ने हाथ दिए हम तो हाथ से ही खाएंगे, चम्मच वम्मच से जो चीज़ चम्मच से वम्मच से खाने वाली होगी वो तो चम्मच से खाएंगे, वरना हाथ से ही खाएंगे। हाथ से खाने में जो मज़ा है वो किसी और में नहीं है, एंड वी लव लाइक दैट। तो आदित्य बोल रहा था उसकी चेयर थोड़ी पीछे हो गई आगे को खिसका हो करके, तो मैंने खिसका दी। एंड यहाँ पे हमारा जो है नाइट इस तरह से, वीकेंड का एक नाइट इस तरह से ख़त्म हो गया। और घर जाने के बाद फिर हिम्मत नहीं थी कुछ और ब्लॉगिंग करने की। एंड नाउ दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पे कृपावती जी आ चुकी है। हम मेरे जो भी घर में काम करते हैं उनका नाम कृपावती, सत्यवती, पद्मावती, ऐसे ही नाम रहते हैं पता नहीं सबके, सब में वती वती आता रहता है। तो सुबह सुबह जो है चाहे मैं सो के उठूँ ना उठूँ, लेकिन जब कृपावती या जो घर में ये हेल्प करने के लिए आती हैं उन लोग के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ता है, जब उठ ही जाती हूँ फिर मैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड बच्चों के बाल भी बहुत बढ़ गए हैं, और ये तो चाहे बड़े नहीं बड़े 15 दिन में मेरे हस्बैंड जो है कटिंग 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 करते रहते हैं, तो मैं वो करा ही रहे हो तो इन दोनों को भी ले जाओ अपने साथ और कराओ। कुछ दिन पहले गए थे लेकिन उस दिन इतनी बारिश आ रही थी और कहीं पर भी कार रखने की जगह नहीं मिली, तो बाइक ले जाने से बेटर करके अभी बाइक पर जा रहे हैं ये लोग। एंड नाउ दिस इज़ इवनिंग। आदित्य जो है सुबह से मैगी बनाने के लिए बोल रहा था, मैं मैगी लेती भी बहुत कम हूँ बनाती भी बहुत कम हूँ, और मैं कुछ दिन पहले ही लेके आई थी कि कभी कुछ नहीं हो तो बना दो, और उसने देख लिया और उसके जब देखो उसके पीछे ही पड़ा है। एंड वो क्या कर रहा था, एक पेपर रख रहा था उसके ऊपर डाउन एरो बना रहा था और उसके नीचे के ड्रॉअर में रख रहा था, मम्मी देखो मैजिक वहाँ पर नीचे क्या है, देखो डाउन एरो मैंने बनाया करके बोल रहा था। मैं चलो अभी बना ही देते हैं, तो मैंने बना दिया। और हम लोग के लिए जो है चाय भी मैक्सिमम बनी चुकी है, उबल रही है यहाँ पे। एंड उसके बाद शाम के टाइम के बाद, क्योंकि वीकेंड अभी जा रही था नेक्स्ट दिन का भी, तो हमको लगा चलो अब क्या करें, तो हम लोग इसके बाद जो है रेडी भी हो जाएंगे। वो कहाँ के लिए वो वार्तालाप मैं आपसे आगे करूँगी। तो यहाँ जब मैंने मैगी बना के दिया तो अभिषेक यहाँ पे पैं कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा था कि उसको मैगी का वाटर चाहिए था जो आदित्य पी गया, तो थोड़ा था उसमें, मैंने बोला पी हो ना करके, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। तो थोड़ा बहुत उसको समहाउ कन्वेंस करके कुछ और चीज़ देख के उसको मैनेज कर दिया। एंड नाउ मैं यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। ये ग्रीन वाला कुर्ता मैंने पहना है एंड उसके साथ ये वाला हैंड बैग लिया है, एंड कान में आज बहुत ही बड़े वाले हैंगिंग्स मैंने पहने। हेलो गुड इवनिंग। तो आज हम जो है मूवी के लिए जा रहे हैं फिर से, बिकॉज़ वीकेंड है और यहाँ पे कहीं हमारी जो विजयवाड़ा सिटी है वो बहुत बड़ी नहीं है, एंड एंटरटेनमेंट के लिए इतनी सारी चीज़ें नहीं होती कि हम जाके कहीं घूम के आ जाएं, कोई बीच हो, कोई ज़्यादा कुछ हो। जैसे हम कल रेस्टोरेंट दोबारा चले गए थे आदित्य की ज़िद पर, सो ताले लगाते लगाते पसीने आ जाते, तो वही है कि और कुछ होता नहीं है, तो हमने बोला चलो मूवी के लिए ही चले जाते हैं करके हम लोग जा रहे हैं।
परसों दोपहर को धूप बहुत ज़्यादा थी और सडनली बारिश शुरू हुई, और ऐसी बारिश शुरू हुई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बाहर से अंदर आने तक भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि बारिश की वजह से जो है पार्किंग में बहुत टाइम लग रहा था, एंड उसकी वजह से जो है उससे पहले वाला शो भी थोड़ा लेट शुरू हुआ और लेट ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से हम अंदर तो आ चुके हैं। हम लोग वहाँ पे नीचे जो है क्लीनिंग चल रही है, एंड वो डिस्प्ले वाला है जो स्क्रीन पे पड़ता है तब जो है पिक्चर दिखती है, एंड क्योंकि नीचे सफाई चल रही थी अभी हम दूसरी वाली सीट पे बैठे हैं, ऊपर देखो क्लीनिंग कर रहे हैं, तो जो भी स्नैक्स वैक्स खाते हैं वो सब गिर जाते हैं, तो क्लीन तो करते ही हैं। एंड अब जो है हम अपनी सीट पे आके बैठ चुके हैं, एंड हम तेलुगु मूवी के लिए गए थे, उसका नाम भी मुझे बोलना नहीं आ रहा, निन्नो विडवनी कुछ है उसका, मेरे को प्रोनाउंसिएशन जब से कोशिश कर रही थी कल से क्या है, मेरे हस्बैंड से मैंने पता नहीं कितनी बार पूछा होगा लेकिन फिर भी मुझसे बोला नहीं जा रहा वो। एंड मूवी शुरू होने से पहले जो है थोड़े बहुत ऐड चल रहे थे, एंड ये हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए हो गया या जनरल पब्लिक के लिए हो गया या वैकेंसीज हो गई उन सब के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, एंड इट वॉज़ अ गुड डिसीजन टू चूज़ मिस्टर जगन एज आर सीएम, मीन्स आंध्र प्रदेश का सीएम। एंड अभी इंटरमिशन हो चुका है तो हम लोग स्नैक्स लेने के लिए आए हैं, तो अभिषेक जब मैं ऊपर ऐसे वीडियो निकाल रही थी बोल रहा था उसको भी देखना है करके, एंड कहीं कहीं चढ़ रहे थे तो उनको कंट्रोल भी करना साथ में बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो की क्लैरिटी कैसी लग रही है, बिकॉज़ इससे पहले मैंने एक बार 4K में शूट कर दिया था, तो सबके फ़ोन में 4K नहीं होगा शायद, इसलिए उनको वो वीडियो इतना क्लियर नहीं लगा, अदरवाइज़ जिसके फ़ोन में 4K है उनको तो बहुत ही क्लियर नज़र आएगा, तो इसलिए फिर बाद में मैंने HD में सेव करना शुरू किया, 4K में रेजोल्यूशन में सेव नहीं किया, और क्लैरिटी भी अच्छी है, प्लस वाइड एंगल वाला ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है, एंड धीरे धीरे जो है और भी डिटेल में चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, फ़ोन के बारे में। एंड जब भी आते हैं हम खाना भी खा के आ जाएं, लेकिन स्नैक्स हम सोचते हैं इंटरमिशन में कुछ ना ख़रीदें, लेकिन बच्चे जो है आदित्य तो मेनली इंटरमिशन होगा तो नीचे जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे ना, उसका फेवरेट होता है फ्रेंच फ्राइज़, तो फ्रेंच फ्राइज़ तो ऑर्डर किया है, उसके साथ हमने ऑर्डर किया है एक पिज़्ज़ा एंड अ कोक और फ्रेंच फ्राइज़, बस ये 3 चीज़ें। तो अभी हम फिर वापस अंदर जा रहे हैं, यहाँ देखो ये बिना बोले हाय करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब मूवी समाप्त हो चुकी है, एंड वापस घर आने के बाद बहुत दिन हो गए मैंने तेल नहीं लगाया, रोज़ सोचती हूँ लगाऊँ, लेकिन फिर लगता है कि अगर तेल लगाने से क्या होता है, सुबह सुबह फ्रेशली अगर वीडियो शूट करना चाहते हैं तो बहुत चिपके हो जाते हैं, तो उस चक्कर में मैं लगाना भूल भी जाती हूँ और छोड़ भी देती हूँ। अब पहले मैंने अपना अच्छी तरह तेल मालिश कर लिया, एल्ब गुडनेस का तेल है ये, काफ़ी अच्छा है, इसकी स्मिगनेस भी स्मेल जो है फ्रेगनेस बहुत अच्छी है, एंड जब भी अभिषेक को तेल लगाना होता है उसको बोलो तो तुरंत आ जाता है और बड़े मज़े से लगवा लेते हैं, एंड पप्पी कर रहे हैं हम एक दूसरे को, एंड ऑलरेडी ये लोग ये तो सोया नहीं है, लेकिन उधर का एंगल देखो ज़रा सो चुका है आदित्य, एंड ये जो पतिदेव है वो भी सोने से पहले ज़रा फ़ोन वोन चेकआउट कर रहे हैं कि सुबह का CMG का प्लान क्या है, क्योंकि हमारे जो CMG है जगन, उनके आने जाने का जो भी है इनको पूरा प्लान आता है, उसके हिसाब से इनको सिक्योरिटी विक्योरिटी हो गया या जो भी मीटिंग्स है या सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, एंड छुट्टियां होती है तो मुझे तो बहुत डर लगता है, ये देखो इन्होंने क्या हाल बना दिया पूरे हॉल का, सारे रूम्स के पिल्लोस चाहे छोटे हो बड़े हो, एंड उसके बाद भी थोड़ी देर के बाद और वो सब कुछ लाके इन्होंने हॉल में लगा दिया है, तो आदित्य रहता है तब ये ज़्यादा ऐसा हो जाता है, अभिषेक अकेला होता है तो इतना करता नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है वीकेंड में तो फिर घर में ही रुको ही ना कहीं बाहर ही चले जाओ, कम से कम घर तो नीट रहेगा, क्योंकि तो घर में रहते हैं तो सुबह कितना नीट रहता है, जब जैसी मेड आके सब कुछ साफ़ सफाई करके जाती है, सब कुछ मैं सब कुछ अपनी प्लेस में लगा देती हूँ, लेकिन जब ये लोग उठ जाते हैं तो खंडर बनाना शुरू कर देते हैं, अभी तो फिर भी कम है, थोड़ी देर के बाद आप देखना कि क्या हाल बन जाएगा, अभी भी मेरे बच्चे चिल्ला ही रहे हैं
एंड मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं वीडियो के साथ में बात करूँ तो भी हल्ला होता है एंड वॉइस ओवर करूँ तो भी कुछ ना कुछ मुश्किल होती है। पहले तो इन्होंने पिल्लो लगाए थे, अब देखो हर जगह से मैट भी लेके आ गए, किचन का मैट, हॉल का मैट, दूसरा शॉल भी नीचे डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। एंड बार बार हम लोग बेडरूम में अगर लेटे थे तो बार बार हम दोनों को लेके, देखो हमने डेकोरेट किया करके बार बार बुलाए जा रहे थे। एंड इन लोगों की शैतानियाँ कम थी कि उसके बाद जो है इन्होंने मेरे हस्बैंड को भी ज्वाइन कर लिया बच्चे के पापा। एंड देखो लाइट जला के, ये जो एक ट्री टाइप का इसकी बैटरी लाइट है उसको जला के ये भी डेकोरेट कर दिया। एंड दोनों देखो कैसे कर रहे हैं, अभी देखो ये वो लोग कुछ कर रहे थे तो ये दोनों वहाँ पे घूमे तो ये उछल के लेट गए इस पर, एंड उसके बाद ये दोनों इनके ऊपर कूदने लग गए। तो ये कुछ मेमोरीज है, बोलने के लिए तो लगता है कि भैया छुट्टियाँ हों तो डर लगता है, वो भी सही है, लेकिन जब कभी बाद में मैं ये वीडियो देखूँगी तो मुझे ज़रूर मेमोरीज जो है एकदम क्या बोलते हैं ना, फ्लैशबैक पूरा याद आ जाएगा। एंड इट गिव्स अ ग्रेट ग्रेट फीलिंग कि हमने इतने अच्छी तरह अपने ज़िंदगी के दिन काटे हैं करके उस दिन लगेगा। सो आज का वीडियो यही है, आई होप अच्छा लगा होगा आपको, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो पक्का कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे के वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन तो चाहिए होगी ना। एंड आपके विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर लिखिएगा, मैं हमेशा उन पर वर्कआउट करती रहती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।